अपनी गुलमंजन सुना है, और सुना होगा और नहीं सुना होगा तो हम सुना देते हैं। दरअसल गुलमंजन पर ही तलाक हो गया है, कहां कैसे यही दिखाने जा रहे हैं। बाराबंकी के मसौली में एक आदमी ने अपनी पत्नी को सिर्फ इसलिए 3 तलाक दे दिया क्योंकि वो उसकी गुलमंजन की आदत से परेशान था। आरोप है कि पति ने उसके पिता के ही सामने 3 तलाक दे दिया, इसके बाद महिला को घर से ही भगा दिया। पीड़ित परिवार के मुताबिक निकाह के बाद से ही ससुराल में उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था। पूरा परिवार उसके साथ मारपीट करता था। लड़की के पिता ने पुलिस को तहरीर देकर मामले की शिकायत की है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। दरअसल लड़की को गुलमंजन की आदत थी और गुलमंजन की आदत से ही उसका पति परेशान था। इसी बात से नाराज होकर अपनी ही पत्नी को उसने तलाक दे दिया। हालांकि महिला के परिवार ने दहेज के लिए भी प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। तो गुलमंजन की वजह से पति ने पत्नी को तलाक दे दिया। पत्नी की गुलमंजन की आदत से पति परेशान था। पीड़ित परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। दरअसल पति चाहता था कि वो गुलमंजन की जो आदत है उसको छोड़ दे, लेकिन पत्नी इसके लिए तैयार नहीं हुई और उसे 3 तलाक दे दिया गया। 3 तलाक का जो प्रकरण है, जो उन्होंने प्रार्थना पत्र दिया है, उसी संबंध में साक्ष्य इकट्ठे किए जा रहे हैं, प्रतिवादियों से बातचीत करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन उनके उपलब्ध न होने के कारण कोई अभी पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध नहीं हो पाए। प्रार्थना पत्र हमारे द्वारा ले लिया गया है, संबंधित थाने में प्रार्थना पत्र है, छानबीन की जा रही है, जैसा साक्ष्य मिलेगा उसी अनुसार मुकदमा कायम किया जाएगा। मोहम्मद वाद ने उनको तलाक दिया 3 बार, हसीन बानो तुमका हम तलाक दिया, हसीन बानो तुमका तलाक दिया, हसीन बानो तुमका तलाक दिया, मारत रहे बेटे से कमरे में बंद बंद करके मार रहे। 3 लाख रुपए मांगी नहीं, बुलेट मांगी नहीं। ये जो है गुलमंजन करने की इसकी आदत है, यहाँ पे घर पे वहां उनसे कैसे गुलमंजन ला के दे, उसके लिए मारी नहीं इसको, बेल्टों से मारी कमरे में बंद करके। फिर वो पैसे की मांग की हमारी बहन से 3 लाख रुपए। तो मसौली है बाराबंकी में एक जगह, और मसौली में एक आदमी ने अपनी पत्नी को सिर्फ इसलिए 3 तलाक दे दिया क्योंकि वो उसकी गोलमंजन की आदत से परेशान था। आरोप है कि पति ने उसके पिता के ही सामने 3 तलाक दे दिए, इसके बाद महिला को घर से भी भगा दिया। पीड़ित परिवार के मुताबिक निकाह के बाद से ही ससुराल में उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था। पूरा परिवार उसके साथ मारपीट करता था। लड़की के पिता ने पुलिस को तहरीर देकर मामले की शिकायत की है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। तो गुलमंजन की वजह से उसका पति परेशान, ये वाकई में ऐसा पहला वाक्य सामने आया होगा कि किसी को इतनी सी बात पर तलाक दे दिया गया कि गुलमंजन वो करती थी लड़की, अब महिला परेशान है। और इसी महिला को गुलमंजन की वजह से 3 तलाक दे दिया। फिलहाल मामला पुलिस तक पहुंच चुका है, पुलिस मामले की जांच कर रही है क्योंकि पीड़ित परिवार ने इसमें एक और मामला दर्ज करा दिया है, दहेज के लिए प्रताड़ित करना और मारपीट का भी मामला दर्ज कराया गया है। तो गुलमंजन करने पर 3 तलाक, ये पहला वाक्य होगा कि गुलमंजन पर इस तरह का वाक्य सामने आया होगा, क्योंकि बाराबंकी में वाकई में एक हैरान कर देने वाला वाक्य सामने आया है। बाराबंकी के मसौली में एक आदमी ने अपनी पत्नी को सिर्फ इसलिए 3 तलाक दे दिया क्योंकि वो उसकी गुलमंजन की आदत से परेशान था। आरोप है कि पति ने उसके पिता के ही सामने उसे 3 तलाक दिया, इसके बाद घर से महिला को भगा दिया। पीड़ित परिवार के मुताबिक निकाह के बाद से ही ससुराल में उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था। लड़की के पिता ने पुलिस को तहरीर देकर मामले की शिकायत की है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। ताहिरा हसन हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता जुड़ी हैं। ताहिरा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ताहिरा जी, पहली बार हम सुन रहे हैं कि गुलमंजन की आदत की वजह से एक महिला को तलाक दे दिया गया, क्या कहेंगे आप? बराबर ये कहती नहीं हूँ कि महिलाओं को पॉजिटिव समझा जाता है, कभी डाउरी के लिए जब दिया जाता है,
यानी अपना स्टेटस बढ़ाना है तो महिला के पास तो परिवार वालों को प्रताड़ित करके जहेज लाया जाए, तो मेरा इसके खिलाफ तो बनता है, कानून को अपना एक्शन लेना चाहिए और इस पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, पति खिलाफ एक्शन चाहिए, तीन तलाक देख सकता है। आप बताइए, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द लैंड ने वॉइस कर दी है, वॉयलेट कर रहा हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द लैंड सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को, तो इसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। अभी चाहिए जब तक इस तरह के लोगों को का कन्विक्शन नहीं होगा, सजा नहीं मिलेगी, उनके अंदर डर नहीं होगा कानून का, तब तक वो ऐसे ही महिलाओं को प्रताड़ित करते रहेंगे। बिल्कुल, लेकिन लेकिन ये वाकई में आपको हैरान कर देने वाला मामला नहीं लगता है? लेकिन क्या इसमें हमें देखिए, क्या जो परिवार पर जिस पर आरोप लग रहा है उनका पक्ष भी मानना चाहिए कि महिला को अपनी ये आदत छोड़ देनी चाहिए थी तो शायद इस तरह की नौबत नहीं आती? नहीं, छोड़ देनी चाहिए थी। अगर नहीं छोड़ेगी तो तलवार लटक रही है महिला, या महिला कोई चीज है आपने इस्तेमाल किया, फेंक दिया, रुमाल तक गिरता है तो उठाकर रख लिया जाता है उठा के। पुरुष प्रधान समाज से जो इस तरह की मानसिकता है उस पर प्रहार करना पड़ेगा। महिला कोई कॉमोडिटी नहीं है, इतनी जो कहोगे उस तरह से रहेगी, एक बराबर की है। ये महिलाओं की लड़ाई पुरुषों के खिलाफ नहीं है, ये लड़ाई गैर बराबरी के खिलाफ, बराबरी की लड़ाई है, उनके अस्तित्व की लड़ाई है, उनकी डिग्निटी की लड़ाई है। कोई इस तरह जो भी इसके पति के खिलाफ उसके घर वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए। जी बिल्कुल, एक यही एक बड़ा सवाल है कि आखिरकार ये स्थिति है कैसी। ताहिरा जी, शुक्रिया हमारे से बात करने के लिए। गुलमंजन पर तीन तलाक, ताहिरा हसन जो कड़ी शब्दों में निंदा करती है कि ऐसे लोगों पर कठोर कार्रवाई करनी चाहिए कि गुलमंजन जैसी चीज पर तलाक दे दिया गया। इस तरह के कई वाक्य आते हैं कि खाना ठीक नहीं बनाया तो तीन तलाक दे दिया गया, और जिस तरह की बातें अब आई, गुलमंजन कर लिया तो आपको तीन तलाक दे दिया गया। अब ये सवाल है, हालांकि तीन तलाक को लेकर सरकार काफी गंभीर है, सरकार की तरफ से बिल भी लाया गया है। अब सवाल उठ रहा है कि तीन तलाक के मामले हैं, सरकार एक प्रयास कर रही है जो बिल को मंजूरी मिल जाए, लेकिन तब तक ये मामले रुक क्यों नहीं रहे, क्योंकि हर बार ये तीन तलाक के एक अनोखे ही मामले सामने आते हैं। कोई फोन से ही, आप विदेश में रहते हैं वहां फोन से ही तीन तलाक बोल देता है, तो सवाल ये बहुत सारे हैं जिस पर अब ये समाज को सोचना होगा कि क्या इतनी छोटी छोटी बातों पर इस तरह की बातें होनी चाहिए।